गौशालाओं में काम कराएंगे जालौन जिला कारीगर के बंदी। जालौन जिला कारीगर में निरुद्ध बिंदुओं के लिए अच्छी खबर है। शासन ने इन बिंदुओं से गौशालाओं में काम कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए प्रदेश भर के 4 कारीगरों को चयन किया गया है, जिसमें जालौन जिले के जिला कारीगर भी चयनित हुआ है। इस कार्य योजना को तैयार कर शासन को भेजने के लिए सोमवार को कानपुर रेंज के कारीगर DIG वेद प्रकाश त्रिपाठी ने जालौन के गौशाला व जिला कारीगर का निरीक्षण किया गया। जालौन से कृष्ण कुमार कुशवा की खास रिपोर्ट। सर, मतलब क्या ऐसा है कि जो आदमी जेल में रह के बाहर निकलता है तो वह अपने बल पे खड़ा होकर अपनी रोजी रोटी कमा सके, इसके लिए हम लोगों ने एक योजना बनाई है। आपके जनपद से यहाँ से जेल से करीब 15 किलोमीटर दूरी पर एक है यहाँ पे राजकीय पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, वहाँ पे हम लोगों की योजना ये है कि हम अपने कैदियों को भेजें, वहाँ पे लोग जाएँ काम करें, इनको मजदूरी मिलेगी, वो इनके खाते में जमा होगी, ताकि जब ये यहाँ से छूटें तो एक इनके पास ऐसी धनराशि हो जिससे कि अपना रोजी रोजगार ये लोग शुरू कर पाएँ। दूसरी चीज़ ये कि हमारे गौ माता को, गोवंश को सेवा के लिए आदमी मिलेंगे। तीसरी चीज़ ये होगी कि इनका विचार जो है काम करने में जब लगेगा, ऐसे रचनात्मक कार्यों में लगेगा, तो समाज को इसका लाभ मिलेगा, इनके श्रम का लाभ समाज को मिल पाएगा। तो आज के मेरे आने का मुख्य उद्देश्य यही था। हम प्रदेश की 4 जगहों पर, जिसमें कि बाराबंकी है, खीरी है और आपका ये सही, वहाँ से हम लोग एक प्रोजेक्ट बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी की स्वीकृति के बाद ये कार्यक्रम लागू होगा। कितनी गौशालाओं को चिन्हित करें? हम लोगों ने 4 को फिलहाल प्रथम चरण में किया है, आगे हम लोग और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी जो हमारा प्रथम चरण है इसमें ये 4 जगह ही हैं, जिसमें कि आपका बाराबंकी का एक है, लखीमपुर खीरी जनपद का एक है और उरई का एक है। तो प्रत्येक उसमें रखने की कोई मापदंड है, कितने लोग रहेंगे, कितने कैदी रहेंगे? वहाँ का आकलन कराया गया है कि कितना कहाँ पे, जैसे बड़ी गौशाला है तो वहाँ ज़्यादा आदमियों की आवश्यकता है, छोटी गौशाला है तो वहाँ कम आदमियों की आवश्यकता है, इस तरह से जो है। और अभी मैं फरुखाबाद गया था, फरुखाबाद जनपद में, वहाँ भी जा करके हमने भ्रमण करके देखा है, वहाँ का भी आकलन हम लोग कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा होगा जिससे कि हमारे बंदी का सुधार और पुनर्वासन, ये दोनों काम हो सकेगा, उनको स्वावलंबी बनने में मदद मिलेगी और उनके सेवा का लाभ समाज को। सर, अभी कितने बंदी लगभग चयनित किए गए हैं जो उन गौशालाओं में काम कर रहे हैं? देखिए, इस मामले में अभी हम लोग जो 4 जगह हमारी हैं, इनके लिए लगभग 200 बंदी हमें चयनित किए।